मेरे में दो चीजें बहुत कमाल की हैं, एक है मेरी याददाश्त और दूसरी मैं भूल जाता हूं। मैं सबसे पहले बाल भवन पब्लिक स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं, विद्या बाल भवन, माफी चाहता हूँ, देखा गलती हो गई ना, मैं सब बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, उनके माता पिता को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बेहतरीन स्कूल में अपने बच्चों को डाला है। मुबारकबाद देता हूँ, आई लव यू ऑल, वी लव यू सर। मैं चेयरमैन डॉक्टर सतवीश शर्मा, उनको मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया, उसको आगे बढ़ा नहीं पाती, लेकिन इन्होंने जो किया है अपने पिताजी का सपना साकार, मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं कि इतना प्यारा स्कूल, ऐसा स्कूल जिसमें 2500 बच्चा है, ऐसा स्कूल जो हर लेवल में आगे है, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, इनके स्कूल की टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और मैं मानना है मेरा कि जितने भी माता पिता सामने हैं वो आज यहाँ पर आकर बड़े खुश होंगे, क्योंकि एक अच्छा संस्कृति आपके टीचर्स से मिला, बहुत खूबसूरत है। अच्छे चेहरे हो तो पढ़ने में भी मजा आता है। नॉटी बॉयज, नॉटी हो रहा। एनीवे, आई एम प्लेजर टू बी हियर, और मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूं, टपा टपा टपा, और मंच पे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, एमएलए हैं, कमिश्नर पुलिस हैं, और भी कौन कौन है, मैं सबसे हाथ जोड़ के उनको अपना प्रणाम करता हूं। दिल से सबको मेरा नमस्कार है। आज मेरी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं। पता नहीं ये क्या दौर चल रहा है कि आज हिंदुस्तान में कितने स्कूल वाले मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो किसी ने बोला आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ाई की है, आप दिल्ली के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम किया है, एक जमाने में आप दिल्ली के अंदर दिल्ली स्कूल बॉयज के क्रिकेट के कैप्टन थे। होता क्या है कि यही उम्र है, आपको अपना रास्ता चुनना है, अपना रास्ता चुनने का यही वक्त है बच्चों। आज का माँ बाप ये नहीं बोलेगा आपको कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है। हर माता पिता समझता है कि बच्चा, बच्चे का ध्यान, बच्चा क्या करना चाहता है, माता पिता उसकी मदद करते हैं। तो आप बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में 80% लाओ, 90% लाओ, खेल कूद में भी लाओ। आज हमारा देश 100 से ऊपर मेडल्स जीत चुका है, बढ़ता ही जा रहा है। जिसको जो बनना है वो बने, लेकिन रास्ते से कभी भटके नहीं, कभी नहीं भटके। जिस रास्ते को पकड़ा है 100% अपना ध्यान ज्ञान सब उसमें डाल दे। और मैं, जितने बच्चे ऊपर मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का माता पिता बच्चे के साथ खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, और कहता है कि बेटा तुमको कल मालूम नहीं कौन अक्षय कुमार बन जाए, पता नहीं कौन शक्ति कपूर बन जाए, कौन कितना बड़ा लॉयर बन जाए,
कौन कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, जिस चीज पे ध्यान है उसी चीज पे रखो। बड़ा मजे की बात है। आप आइए 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 आइए। नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ नमस्ते, मैं आपको नमस्ते बोल रहा हूँ। आप देखते ही नहीं है। मैं वही बोल रहा था कि एजुकेशन इज सो इंपॉर्टेंट दैट टू बी इन अ गुड स्कूल। आई एम वेरी प्राउड, मैं बहुत खुश हूं कि ये मुझे ऐसे स्कूल में बुलाते हैं कि मेरा एक ऐसा लग रहा है कि मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया हूं। और मैं जाता भी उसी स्कूल में हूं जो मैं उसकी हिस्ट्री पता करता हूं कि उनके विद्यार्थी स्कूल एमिनिटीज क्या क्या है, बच्चे खुश हैं वहां के नहीं है, वहां का रिजल्ट क्या है। और इनका तो कमाल है, एक स्कूल खोला फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच। वो इसलिए खुल रहे हैं, इसलिए हाउसफुल चल रहा है क्योंकि हर माता पिता को मालूम है कि अच्छा स्कूल बच्चे का भविष्य है। तो आप लोग निश्चिंत हो कि आपके बच्चे एक ऐसी जगह पे हैं जहां कल का भविष्य उनका बहुत उज्ज्वल है, ये मैं गारंटी और दिल से बोल सकता हूं। राजा बाबू, राजा बाबू, मेरे राजा बाबू तो गए। ये कौन है? क्या क्या बोल रहे हैं? भगत सिंह, दिनेश सिंह जिंदाबाद, दिनेश सिंह जिंदाबाद। हाँ दिनेश सिंह जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत माता की। मैं तो ये जब जब सुनता हूँ बड़ा मजा आता है। और मोदी जी का जब भी टीवी पे वो प्रोग्राम आता है मन की बात, मन की बात तो मैं हमेशा सुनता हूँ क्योंकि इतना ज्ञान मिलता है। मैं बच्चों के माता पिता को भी बोलूंगा कि वो एक अध्यापक है, वो एक टीचर है जिन्होंने हमारा मुल्क का नाम पूरे वर्ल्ड में उस लेवल पे पहुंचाया है जो कभी पहुंचा नहीं था। आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं? मैं नहीं हूं भाई, जो मेरे दिल की भावना है मैं वो बता रहा हूं। और इसी के साथ मैं सबको नमस्कार बोलता हूं। आगे लाइन लगी है, अभी तो चलेगा। बोलने वाले बड़े अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं यहाँ पे। क्या ये कौन है, ये कहां से आया? नंदू, सबका बंदू, नंदू नंदू नंदू। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई थैंक यू ऑल। सर सर सर, एक और न्यूज मिली है हमें कि अंदर आपने श्रद्धा कपूर मैम से लाइव बात करवाई है बच्चों की। मैं थैंक यू सो मच, मैं सब क्लासेस में गया। थैंक यू सो मच सर, अभी अभी न्यूज मिली है मुझे कि आपने श्रद्धा कपूर मैम से बच्चों की लाइव बात करवाई है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू, मैं बच्चों सो मच सर। थैंक यू, मैं बच्चों की क्लास में गया तो उन्होंने बोला आप तो समझे आपकी बिटिया कहाँ है। मैंने कहा देखा, हर बाप खुश होता है जब उसकी औलाद आगे बढ़ती। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों का लक अच्छा हो शूटिंग कर रही है मैं उसको वीडियो कॉल लगाता हूँ। और देखो भगवत गीता कहती है नियत तेरी साफ हो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो तो घर में ही मथुरा काशी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों की नियत अच्छी थी, मैंने वीडियो कॉल लगाया और सामने श्रद्धा कपूर आई और सब बच्चों के साथ बात की। मैं बहुत खुश हुआ, बच्चे बहुत खुश हुए, बच्चों का बाप बहुत खुश हुआ कि मेरी बिटिया बच्चों से बहुत प्यार करती है। और लकली क्लासरूम में काफी बच्चों ने मुझसे बात की। होता क्या है कि आज जैसे बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं
ऐसे ही एक दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैं दिल्ली का ही पढ़ा हुआ हूँ, जब मैं स्कूल में था तो होली चाइल्ड स्कूल था, तो ऐसा ही मैं प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे माता पिता सामने बैठ के मेरा प्रोग्राम देख रहे थे। उसके बाद श्रद्धा प्रोग्राम कर रही थी और मैं और मेरी बीवी माता पिता बनकर सामने से देख रहे थे, और आज ये बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं और उनके माता पिता सामने बैठ के देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। अच्छे स्कूल की एम बहुत कुछ सिखाती है, संस्कृति सिखाती है और उसका भविष्य बनाती है। मैं इसके साथ ही हाथ जोड़ता हूं और सबको मेरा नमन प्यार नमस्कार। आओ
गजाधिपते त्रिभुव जगंड विधारण चंड पराक्रम शुंड मृ